15 अगस्त 1947 में भारत ब्रिटिश शासन से आजाद हुआ था और इसलिए यह बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। हर साल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं और प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं। हम सब जानते हैं कि भारत विविधता में एकता का देश है जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। किसी भी राष्ट्रीय उत्सव का मतलब होता है ऐसा उत्सव जिसे पूरा देश एक साथ मिलकर मनाता है। तो आज हम आपको भारत और आजादी से संबंधित कुछ दिलचस्प और रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। नंबर एक, क्या आप जानते हैं कि 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बगान स्क्वायर में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। ध्वज लाल पीला और हरे रंग के क्षैतिज स्ट्रिप से बना था। नंबर दो, सबसे अनोखी बात यह है कि जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 में तब उसका कोई राष्ट्रीय गान नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगणमन बंगाली भाषा में लिख चुके थे लेकिन 1950 में यह हमारे देश का राष्ट्रीय गान बन पाया था। नंबर तीन, ऐसा कहा जाता है कि वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण 1921 में बेजवाड़ा में पिंगली वेकैया द्वारा बनाया गया था। यह दो रंगों से बनाया गया था, लाल और हरा, जो कि दो प्रमुख समुदायों का प्रतिनिधित्व करता था। गांधी जी ने भारत के शेष समुदाय और राष्ट्रीय की प्रगति का प्रतीक बनाने के लिए एक सफेद पट्टी पे चरखे को जोड़ने का सुझाव दिया गया था। नंबर चार, 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ था लेकिन गांधी जी इसमें शामिल नहीं हो पाए थे क्योंकि वह इस समय कोलकाता में हिंदू और मुस्लिम दंगों को रोकने गए हुए थे। नंबर पाँच, हर स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं लेकिन 1947 में ऐसा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराया था। नंबर छः, क्या आपको पता है कि 15 अगस्त तक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा नहीं थी? यह 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन के रूप में खींची गई थी। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 560 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। दो अन्य हैदराबाद और जूनागढ़ को भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नंबर सात, भारतीय स्वतंत्रता के बारे में एक और दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने संविधान में संशोधन किया और गोवा को एक पुर्तगाली राज्य के रूप में घोषित किया। भारतीय सैनिकों ने 19 दिसंबर 1961 को गोवा पर हमला किया और इसे भारत में मिला दिया था। नंबर आठ, क्या आप जानते हैं कि भारत ने इतिहास के अपने पिछले 1 लाख वर्षों में कभी भी किसी भी देश पर हमला नहीं किया है। नंबर नौ, 15 अगस्त भारत के अलावा 3 अन्य देशों का भी स्वतंत्रता दिवस है। दक्षिण कोरिया जापान से 15 अगस्त 1945 को आजाद हुआ था, ब्रिटेन से बहरीन 15 अगस्त 1971 को और फ्रांस से कांगो 15 अगस्त 1960 को आजाद हुआ था। नंबर 10, 15 अगस्त के दिन ही वीर चक्र को मान्यता दी गई थी। 15 अगस्त 1972 को भारत में डाक पिन जो 6 नंबर का होता है की शुरुआत की गई थी और 15 अगस्त 1982 को इंदिरा गांधी के भाषण के साथ भारत में टीवी पर रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई थी। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण और रोचक तथ्य स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।